हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के पार्ट को खुद में समेटने वाला भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है असम। दूर दूर तक फैली हरियाली, हरे भरे पेड़, विविध वन्य जीव, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर असम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, असम के रोमांच भरे जंगल, चाय के बागान, खूबसूरत ब्रह्मपुत्र नदी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। असम एक ऐसा प्रदेश है जहाँ शांति है, साथ ही संस्कृति और परंपरा का एक अटूट बंधन है। तिब्बत से बहकर विशाल ब्रह्मपुत्र नदी इस विशाल राज्य की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। आज के इस वीडियो में हम इस खूबसूरत राज्य को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं असम राज्य का एक शानदार सफर मेरे यानी आपके दोस्त राकेश प्रजापति के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि असम पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों के साथ पूर्वी हिमालय के दक्षिण में स्थित एक राज्य है, जो 78,438 किलोमीटर स्क्वायर यानी 30,285 वर्ग मील के विशाल क्षेत्र को कवर करता है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। असम का नाम आसमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ अब विलुप्त हो चुकी अहोम भाषा में पियरलेस है। यह राज्य अपनी सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, जबकि पश्चिम में बांग्लादेश और मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करता है। असम सबसे ज्यादा अपनी चाय और रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह राज्य एशिया में तेल ड्रिलिंग के लिए भी पहले स्थान पर है। असम एक सींग वाले भारतीय गेंडों का भी घर है, जो कांजीरंगा नेशनल पार्क में देखा जा सकता है। लगभग 31.2 मिलियन की आबादी के साथ असम भारत का 15वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इस राज्य की आधिकारिक और सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा असमिया है, जो लगभग 49% लोगों द्वारा बोली जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2001 तक असम में हिंदुओं की आबादी 64% थी, लेकिन बांग्लादेश से लगातार मुस्लिम घुसपैठियों के आने से हिंदू आबादी का अनुपात कम हो गया और अब असम के 10 जिलों में सिर्फ मुसलमानों का ही दबदबा है। साथ ही क्या आपको ये पता है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। साथ ही आपको बता दूं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी ही है, जिसके कुछ हिस्सों की चौड़ाई 10 किलोमीटर तक है। दोस्तों, भारत में असम में सबसे अधिक जंगली भैंस पाई जाती है। इसके अलावा पक्षियों की अधिकांश प्रजातियां भी इसी राज्य में है। असम में लगभग 820 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और यहां लगभग 190 प्रजातियां स्तनधारियों की है। साथ ही भारत का पहला तेल भंडार असम राज्य के डिगबोई में स्थित है और भारत में असम में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि असम भारत में सबसे अच्छा और बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। चाय उत्पादन के मामले में असम नंबर 1 पर है। यह राज्य भारत के 55% और विश्व के 16% चाय का उत्पादन करता है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि प्राचीन काल में असम को प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। इस राज्य का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार युद्ध के दौरान इस राज्य के राजा ने श्री कृष्ण के अनुरोध पर युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। मौर्य काल के दौरान असम का पश्चिमी भाग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। फिर बाद में आजादी के बाद असम एक बड़ा राज्य था, जिसकी राजधानी शिलांग थी। फिर संस्कृति के आधार पर विभिन्न राज्यों की मांग पर 1968 में नागालैंड और 1972 में मेघालय और मिजोरम को असम से अलग कर राज्य बना दिया गया। राज्य की राजधानी शिलांग के मेघालय में चले जाने के बाद दिसपुर को असम राज्य की नई राजधानी बनाया गया। असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की अगर बात करें तो अन्य सभी उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह उत्सव असमिया जीवन का मूल है और इस राज्य में त्योहारों की कोई कमी नहीं है। असम के सबसे प्रसिद्ध त्योहार बिहू कृषि चक्र से संबंधित है और विभिन्न फसल और रोपण के मौसम के अनुसार वर्ष में 3 बार मनाए जाते हैं। दोस्तों, असम का भोजन काफी स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर खाने में ज्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रंगीन मसालों या तेल का कम से कम उपयोग करने के बावजूद यहाँ का भोजन विदेशी स्वाद और ताजे प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होता है। स्थानीय व्यंजन में मुख्य रूप से चावल और मछली बेहद लोकप्रिय है। दोस्तों, असम जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन, बस और अपने निजी साधन में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। फ्लाइट से असम जाने के लिए गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे अच्छी पसंद होगी, जो गुवाहाटी शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आपको स्थानीय साधन मिल जाएंगे। ये राज्य ट्रेन द्वारा भी देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। असम का रेल हब गुवाहाटी जंक्शन है। इसके अलावा भी गुवाहाटी में अन्य रेलवे स्टेशन है, जिनमें कामाख्या जंक्शन, गुवाहाटी जंक्शन और अजरा रेलवे स्टेशन शामिल है। इसके साथ ही आप आसानी से सड़क मार्ग से भी असम पहुंच सकते हैं। असम राज्य भारत के साथी शहरों से सड़क मार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो आप बस के माध्यम से भी अपनी यात्रा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूर्वोत्तर का खूबसूरत राज्य असम। अगर आप असम के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।
भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।